हिमाचल प्रदेश एक पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ कर्मचारियों की संख्या पॉपुलेशन के अनुपात में अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। और ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के विकास में, प्रदेश की योजनाओं को जमीनी स्तर तक नीचे तक पहुंचाने के लिए काम करने में रहती है। कोविड के चलते काफी अरसे से इस बात को लेकर के हमसे बातचीत हो रही थी कि एक तो JCC की मांग थी, कर्मचारी महासंघ के गठन की बात थी, उन सारी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कोविड के दौर के कारण थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब हमने सारी वो औपचारिकताएं पूरी की महासंघ के गठन की। जो उसके बाद फिर दूसरा जो अभी हम आज हमने JCC की बैठक भी बुलाई थी और जिसमें हमने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में हमने कोविड के दौरान भी बहुत सारी जो कर्मचारियों से संबंधित उनकी मांगे थी उनका समाधान हम समय समय पर करते रहे। लेकिन कर्मचारियों का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी कोविड के चलते बहुत ज्यादा दबाव अपनी मांगों के लिए नहीं रखा और सहयोग किया। सारी हालात परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने इसमें सहयोग दिया। जहां तक आज की JCC की अगर हम बात करें, इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने आज जो लिए हैं, एक तो यह है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। जनवरी 2022 का संशोधित वेतन जो है वो हम फरवरी के मास में जब सैलरी देंगे उसमें उसको शामिल करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। और जिस पर हमारी सहमति बनी है, सहमति बनने के बाद मैंने आज विधिवत इसकी घोषणा भी की है। और उसी प्रकार से जो पेंशन, जो पारिवारिक पेंशनरों की जो पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के जो लाभ की बात है वो 1 जनवरी 2016 से संशोधित दिए जाएंगे। एक ये भी निर्णय उसमें हुआ है पेंशनर्स के लिए विशेष तौर से, क्योंकि उनकी संख्या भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके कर्मचारियों और पेंशनों को जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने की अगर बात है तो वो राहत भी जो लाभ संशोधित वेतन मानों व एवं पेंशन पर दे रहेगा, ये भी हमने साथ में उसको जोड़ा है। यानी कि कर्मचारियों को जो पेंशन वाले जो हमारे भाई हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जो है वो संशोधित वेतन मानों के साथ वो दे होगा। और इसी प्रकार से एक और हमने कर्मचारियों के संदर्भ में एक निर्णय जो लिया, कुल मिलाकर के नए वेतन मानों व पेंशन संशोधन करने से प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनरों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ इसमें होंगे। तो एक साइजेबल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश में जो पेंशनर्स हैं उनके लिए देने की आज हमने जो विधिवत एक JCC की बैठक में घोषणा की है। कुल कितना मिला करके वित्तीय लाभ अगर आज हम सारे मिला करके देखें तो 7,500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को और कर्मचारियों के अतिरिक्त जो हमारे जो पेंशन वाले लोग हैं, जो पेंशन धारक हैं, तो उनको ये मिलने वाला है। कोविड के इस दौर के बावजूद भी कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी राहत देना, इतनी बड़ी मदद करना, तो ये कठिन लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमको करना है। इसलिए करना है क्योंकि कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है स्टेट के आगे बढ़ाने में। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को वो मांग भी कर रहे थे और उस मांग को पूरा करने की दिशा में हम आज आगे बढ़े। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के भी हम कुछ चीज़ों को लेकर के सोच तो रहे हैं कि हम कुछ करें, लेकिन ये हमारे लिए एक तरह की आपताओं इस तरह की स्थिति भी रहती है, क्योंकि हमारा पेक मिशन और सारी चीज़ें जो कर्मचारियों से संबंधित जितने भी मसले हैं वो पंजाब से संबंधित रहते हैं। तो इसलिए ये करने कुछ एक चीज़ें तो हमारी उस तरह से हमको करनी ही है, क्योंकि पंजाब वालों ने अपना पेक मिशन की जो है वो अनाउंसमेंट करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे वो बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश को भी उसको फॉलो करना है। कॉन्ट्रैक्ट वाला एक बहुत बड़ा इश्यू था जिसमें जो हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हैं उसमें से
एक बात आ रही थी कि जो 3 साल से उसको 2 साल तक किया जाए, वो हमने 2 साल तक करने का एक निर्णय लिया। और इसके अतिरिक्त बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं अलग अलग जो उन कर्मचारियों के लिए भी हमने हिमाचल प्रदेश में सबको 1 साल का जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में छूट दी है। वो सभी कैटेगरीज को अलग अलग कैटेगरीज से इनका जिक्र करें तो लंबा समय लगता है उसमें, लेकिन सबको हमने उसमें राहत देने की दृष्टि से एक शुरुआत की है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसको कम करने की बात। और जो 2 साल करने की मांग काफी अरसे से चल रही थी, और ये हमारी कमिटमेंट एक ऑनेस्ट कमिटमेंट भी थी हमारी सरकार की ओर से कि उसको हम करेंगे।